आप इवेल्युएट करते हो तो हम आपको अंडरटेकिंग देते हैं कि इससे कम आएगा तो आपको और देंगे। सो ये 3924 का फिगर उनके लिए एक रीजनेबल ऑफर हमने दिया है, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर दिया है, जो अब वो कोई हिसाब से हमारे प्लान को ही वोट करना पड़ेगा। वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे टू माय अंडरस्टैंडिंग कि इतना डिफरेंस है तो व्हाई दे आर वोटिंग फॉर एनी अदर प्लान, दे हैव टू वोट फॉर अवर प्लान। आप लोग खुद चेक कर सकते हो, आपके पास दोनों प्लान है, मेरे पास तो नहीं है, बट जो मुझे समझ में आ रहा है, जो फीडबैक आए हैं, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ओके, बट अब वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया है वेर इन दे हैव टू वोट फॉर अस। तो ये हमने बहुत बहुत टैक्टफुली किया हुआ है सो दैट दे गेट इंसेंटिवाइज एंड फेयरली सो, बिकॉज दे आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इफ दे असेंट विच इज इन इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो हमने वो सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए वी हैव मेड अ एक्सक्लूसिव बकेट फॉर असेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर। Not only that, we have given undertaking on the rates कि इससे कम आया तो हम अपनी जेब से देंगे। Not only that, we have this time instead of directly subleasing the land to them, we have incorporated, हमने एक mechanism भी incorporate किया है जहाँ पे हम उनको help करेंगे, facilitate करेंगे for land monetization, which is always their concern. तो हमने उनके हर concern को हमने इसमें address किया है, okay? और यहां तक भी लिखा है कि डिसेंटिंग बकेट से जो बचेगा वो हम नहीं ले जाएंगे, वो भी असेंटिंग वालों को ही मिलेगा अगर डिसेंटिंग कम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम 3-4% डिसेंटिंग आया था, अगर 3-4% डिसेंटिंग आया इस बार भी तो फिर उनको 1165 नहीं टोटल 2651 में से ऑलमोस्ट मैक्सिमम लैंड उन्हीं को चली जाएगी असेंटिंग वाले को, तो वो कंफर्ट भी हमने इनबिल्ट किया हुआ है। हर तरीके से सोच के वी हैव इनबिल्टेड ऑल द काइंड ऑफ कंफर्ट व्हिच इंश्योर्स देम टू असेंट। सो वो जो क्वेश्चन है ना कि बैंक हमारे साथ है या नहीं, वो अब खत्म हो गया टू माय माइंड। अब तो दे हैव टू बी विद अस एंड हम लोग की बात भी चल रही है, दे अभी तक तो दे आर ऑल पॉजिटिव एंड दे लाइक अवर प्लान। एंड सीओसी में भी मैंने 1 घंटा 8 मिनट प्रेजेंटेशन दिया एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग डे बिफोर यस्टरडे, मिनट्स में आई डोंट नो कितना कैप्चर होगा, यू गाइज विल हैव एक्सेस टू दैट दोज मिनट्स, बट प्रेजेंटेशन भी मैंने सर्कुलेट करवा दिया था कुलदीप वर्मा जी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं डिसेंटिंग पे। अब डिसेंटिंग चॉइस नहीं है, प्लान को कंप्लायंट करने के लिए आई हैव टू गिव ट्रीटमेंट which is in line with the law, okay, provisions of the code, in line with the directions of Honorable Supreme Court in the judgment of your case dated 24th March. अब आपको एकदम सिंपल तरीके से समझना है, अगर समझना है वैसे आपको क्या फर्क पड़ता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड। तीन क्राइटेरियाज मैंने नीचे दिए, देखो डायरेक्ट पेमेंट इन कैश का एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया था RAs को, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, जो हमने इस केस में नहीं अडॉप्ट किया है, बिकॉज मैं सारा पैसा, एज आई शोन अर्लियर, सारा पैसा हमें होम बायर के कंस्ट्रक्शन में यूज करने को लगेगा, अदरवाइज प्लान वायबल ही नहीं है। तो वो एंगल से फर्स्ट ऑप्शन हमने रूल आउट कर दिया, हम जा रहे सेकेंड ऑप्शन में, विच इज बाय अलाउइंग द डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट to the extent of their entitlement, which is liquidation value due to them or the claim admitted amount, whichever is lower. And security should be existing security and it should be exclusively available to them for enforcement. तो हमने ensure किया अपने plan में कि हमारा plan fully compliant हो, हमने we have taken care of all these criterias which are in front of your screen, okay? तो हमने क्या किया है कि हमने उनको एंटाइटलमेंट तक की भी प्रॉमिस कर दी है, लैंड उतनी देंगे, हमने एनफोर्समेंट भी दिया है, एग्जिस्टिंग मॉर्गेज में से उनको कार्व आउट कर रहे दे रहे, दूसरे क्रेडिटर के चार्जेस रिलीज करवाएंगे ताकि वो एक्सक्लूसिव हो जाए। तो हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो क्राइटेरिया थे डिसेंटिंग के लिए, वो हमने एकदम फुलफिल किए हैं। और हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर डिसेंटिंग ज्यादा आ गए 34% तक, तो क्या आप और लैंड या और एसेट अपनी जो बची हुई है वो आप ऑफर कर दोगे उनको? फॉर दैट वी नीड टू गिव एन अंडरटेकिंग, तो विदाउट विच
आज मैं अगर या तो मुझे 34% तक का प्रोविजन करना है एज पर लॉ, बिकॉज 66 में भी अप्रूव होता है प्लान, तो वो अगर मैं करता हूं तो वो वेल एंड गुड, पर वो होता नहीं। 1900 एकड़ जमीन पूरी की पूरी मॉर्गेज जमीन भी दे दू ना तो भी 34% का प्रोविजन नहीं होता है। सो आई हैव टू गिव देम अंडरटेकिंग कि भाई जो लगेगा हम बाकी हमारी जो लैंड बच गई है वो भी दे देंगे, बट वी हैव टू इंश्योर कि आप डिसेंटिंग क्रेडिटर को एज पर देयर एंटाइटलमेंट लीगल मिले। तो ये जो शॉर्टफॉल अंडरटेकिंग है विच मेक्स अवर प्लान कंप्लायंट, बिकॉज वी आर सेइंग दैट वी विल गिव वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर इट टेक्स, सो दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट विच यू गाइज नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड कि हमने प्लान को कंप्लायंट बनाया है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एंड आप लोग कुछ भी चेक कर सकते हो, ये सारे क्लॉजेस है प्लान में जहां पे हमने अंडरटेकिंग दी है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो कि अंडरटेकिंग हमने दी है या नहीं दी है। हमारी आईआरपी से इस पे लंबी चर्चा हुई थी प्रायर टू यू नो सबमिशन ऑफ प्लान, वेर ही मेड इट वेरी क्लियर कि आलोक तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हारा क्लान प्लान में सर्टिफाई नहीं करूंगा। सो बेस्ड ऑन दोज डिस्कशंस वी गॉट दिस थिंग इनकॉर्पोरेटेड एंड वी हैव टेकन दिस रिस्क कि चाहे कुछ लैंड ना बचे बट कंप्लायंट होना चाहिए प्लान, अदरवाइज सब कुछ फेल हो जाता है, बिकॉज इफ इट इज नॉट कंप्लायंट इट के नॉट गो फॉर वोटिंग एंड इट के नॉट बी टेकन अहेड। सो ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है, दैट इज वाई आई हैव कवर्ड इन माई प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, अभी एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसमें मुझे कई क्वेरीज होम बायर से भी आती है कि यमुना अथॉरिटी की ट्रीटमेंट को आपने क्या किया है, वो कंप्लायंट है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सीओसी की मीटिंग में मैंने अपने प्रेजेंटेशन में उनको ढंग से ब्रीफ कर दिया कि यमुना अथॉरिटी का क्लेम इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर क्लेम एंड इट कैन देयरफॉर बी ट्रीटेड एज पर प्रोविजन ऑफ द कोड। ओके, सो आई एम ऑल्सो शोइंग यू ब्रीफली कि किस तरह हम इट इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। क्लेम की डेफिनेशन आईबीसी में है राइट टू पेमेंट एंड विच कवर्स डिस्प्यूटेड ऑल्सो, आप चेक कर सकते हो आईबी कोड में राइट टू पेमेंट एंड डिस्प्यूटेड, इफ दीज टू थिंग्स आर देयर इट इज अ क्लेम, एंड इफ इट इज अ क्लेम वी नीड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एज पर आईबीसी। ट्रीटमेंट आईबीसी में क्या बोली गई है कि आपको उसको लिक्विडेशन में अगर उसको कुछ मिलता है तो यू हैव टू गिव, अगर उसको लिक्विडेशन में नहीं मिलता है तो मिनिमम आपको उतना देना है जितना उसको लिक्विडेशन में मिलता है। अब आप लोग समझदार हो, लिक्विडेशन वैल्यू होम बायर और बैंक्स के बीच में बढ़ जाती है, देर इज नो लिक्विडेशन वैल्यू अवेलेबल फॉर एनी ऑपरेशनल क्रेडिटर, देयर फॉर वी कैन ऑलवेज मेक अ मिनिमम अमाउंट पेमेंट टू देम एंड एक्सटिंग्विश रिमेनिंग क्लेम विच इज वेरी मच एज पर प्रोविजन ऑफ द कोड एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एंड देयर फॉर वी हैव केप्ट दैट ट्रीटमेंट इन आर प्लान। And this time we have elaborated to say how exactly this is in provisions of the court. Supreme Court, Honorable Supreme Court ने ये NBCC ने वो गलत treatment दी थी in their earlier plan कि they wanted to deflect the liability onto Yamuna Authority for the expressway land. वो concession agreement के against था, which couldn't have been done. But वो लोग ने provisions of court के हिसाब से treatment last time दी होती तो उसी समय उनका प्लान भी ये एस्पेक्ट पे तो कम से कम क्लियर हो जाता, बट उन्होंने वो दी नहीं इसलिए वो सब्जेक्ट मैटर बना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का, एंड देयरफॉर इट हैज नॉट बीन डेल्ट विद इन लास्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड आज मैं आपको बता दूं आईबीसी का इंटेंट है विच हैज कम इन एसआर स्टील जजमेंट एंड इडलवाइज जजमेंट ऑफ रिसेंट, थ्री जजेस बेंच की जजमेंट है ये सारी, जिसमें उन्होंने बोला है कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्लीन स्लेट मिलनी चाहिए, फ्रेश प्लेट मिलनी चाहिए। वो लोगों को अगर आप आगे चल के अननोन पास्ट की लायबिलिटीज आ जाएगी खड़ी होके तो फिर तो वो लोग वायबिलिटी और फिजिबिलिटी हैम्पर हो जाएगी और वो लोग कंप्लीट कैसे पर कर पाएंगे अगर इस तरीके की अननोन लायबिलिटी आगे आके खड़ी हो गई जो पहले के पीरियड की है। सो पहले के पीरियड की सारी लायबिलिटीज हैव टू बी डेल्ट विद इन द प्लान और उसको एज पर प्रोविजंस ऑफ कोड आपको ट्रीटमेंट देनी है, और अगर आप देते हो तो आपका प्लान परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। और ये इडलवाइस का भी रिसेंट जजमेंट आया है, बहुत ही रिसेंट है, अप्रैल 2021 का, जिसमें भी ये रिट्रेट किया है थ्री जज बेंच ने
कि अगर आपको कोई लायबिलिटी आगे के लिए नहीं रखनी है, आज जो लिक्विडेशन में है आज के जितने लायबिलिटी है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको जो मिलना है उतना मिनिमम देना है, अगर उससे ना कम ना उससे ज्यादा। तो इस तरीके से ये पूरा डील होता है, और क्लीन स्लेट और फ्रेश प्लेट रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को मिलनी ही चाहिए, वरना कैसे काम होगा यार। कोई भी लायबिलिटी कभी भी आ जाए तो काम थोड़ी होता है। वी हैव टू एंश्योर कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी डन। बट हैविंग सेड दैट, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर लीगल एंड परफेक्टली विद इन दी लॉ एज पर अवर लीगल काउंसिल्स एंड अवर लॉयर्स, ओके, वो मैंने आपको समझाया अभी। बट आज क्या होगा कि अगर मैं, मेरा प्लान में लिटिगेशन होगा, लिटिगेशन में लास्ट टाइम 2 साल निकल गए एनबीसीसी के प्लान में, ओके, एंड फाइनली द आउटकम वी ऑल नो। सो आई वॉन्ट टू ऑल्सो वर्क ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ हाउ टू रिड्यूस दिस लिटिगेशन। सो इसीलिए हमने यमुना अथॉरिटी से डिस्कशन शुरू कर दिए, और यमुना अथॉरिटी से हमने कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया है, हमने प्रपोजल भी दिया, उन लोग ने जवाब भी दिया, एंड दे आर वेरी मच कीन, आई शुड से दे आर ऑल्सो इक्वली कीन कि आप लोगों का प्लान सक्सेस हो और होम बायर्स को अपने घर मिले। विथ ऑल, मतलब आई अप्रिशिएट यमुना अथॉरिटी इज ऑल्सो हैविंग दैट स्पिरिट इन माइंड, एंड दैट इज कवर्ड इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो। रेलिवेंट पैरा मैं आपको बता दूंगा, बट दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि वो लोग भी चाहते हैं प्लान सक्सीड हो। तो हम तरीका निकालने की कोशिश भी साथ साथ कर रहे हैं कि एनसीएलटी अप्रूवल डेट तक कोई तरीका निकल जाए जिसमें एमिकेबल सोल्यूशन निकल जाए। हमने कॉरेस्पॉन्डेंस भी उनके साथ एक्सचेंज किया है, एंड दिस इज ओनली, माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली टू एंश्योर कि लिटिगेशन पीरियड खत्म हो जाए और जल्दी प्लान अप्रूव हो जाए और ऑल स्टेक होल्डर्स अप्रूव, देर इज नो लिटिगेशन विच डिलेज द होल प्रोसेस। सो हमने इन ऑर्डर टू, वाइल वी आर वेरी श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट विच आई जस्ट एक्सप्लेन कि इट इज एन ऑपरेशनल क्रिएटर्स क्लेम, बट साथ में देर इज नो हार्म एक्सप्लोरिंग इफ द स्पिरिट ऑफ यमुना अथॉरिटी इज लाइक अस ओनली, कि कोई तरीका निकल जाए कि जिसमें सॉल्यूशन आ जाए, वी डोंट रियली गेट इनटू दैट। सो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है ऑनेस्टली, बट वी आर वर्किंग इन कॉमन डायरेक्शन विद कॉमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, सिमिलर है येस बैंक का चीज, जो उन्होंने लास्ट टाइम काफी लिटिगेट किया, तो हमने इस बार उनसे भी डिस्कशन चालू है, और हमने प्लान में ऐसी ट्रीटमेंट डाली है जिसमें उनके कोई लीगल राइट्स हैम्पर नहीं हो रहे, सो देयरफॉर उनका भी लिटिगेशन का कोई मुद्दा रहे नहीं, वो हमने प्लान में इंश्योर किया है। नेक्स्ट, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस आई हैव कवर्ड ऑल दी ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, नाउ आई गो ऑन टू वे फॉरवर्ड एंड देन वी गो ऑन टू क्वेश्चन आंसर सेशन, बिकॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आ जाएगा, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड माई टाइम लिमिट ऑफ 45 मिनट्स। सो ये रेलेवेंट पैराग्राफ्स है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, वेरिन इट इज वेरी क्लियर दैट प्रोसेस नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन 45 डेज टाइम, एंड देर इज नो एम्बिग्यूटी ऑन दैट। बट अब हमने तो प्लान 28 को डाल दिया, अभी क्वेरीज की वेट कर रहे कंप्लायंस के ऊपर, बहुत सब चीजें हो सकती है, 20% टाइम बाकी था सबमिशन के बाद। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना जोर लगा के रिक्वेस्ट करो कि लेट अस नॉट एक्सटेंड एनीथिंग एनीवेयर। अभी तो सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन फॉर, मतलब उन्होंने प्रीपोन कर दिया है वेकेशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग इशूज, यू नो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड एंड ऑल दैट। सो कोई, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं, इफ दिस गेट्स डीरेल्ड देन आई डोंट नो क्या होगा, बिकॉज आज की डेट में तो टिल सीओसी अप्रूवल प्लान हम पे भी बाइंडिंग नहीं है। सो टूडे यू नो वी ऑल वॉन्ट कि सीओसी एक बार अप्रूव कर ले ताकि प्लान बाइंडिंग हो जाए, और वो सारी चीजें फिर हम जितना जल्दी हो लिटिगेशन कम करके कर सके टूवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग द वर्क। ओके, वाइल आई एम वेरी क्लियर, पोस्ट सीओसी अप्रूवल, पोस्ट ये एनसीएलटी अप्रूवल, टिल द टाइम वी गेट फुल कंट्रोल, वी आर गोइंग टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन, वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। सो ये पूरी सिचुएशन है। ओके, सो हियर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू सी एंड टेक योर ओन व्यू कि ये टाइमली कंप्लीट होना चाहिए बिफोर 8th of May। नेक्स्ट नेक्स्ट देवांग।
देवांग नेक्स्ट। Yes, sir. I think you can give a conclusion, concluding statement, and then we can have a queries session. So, just to conclude now, I am saying all my friends that we are very serious, very committed. You can see from our efforts कि जो हमने बोला वो हमने इतना fast decision लेके हमने incorporate भी कर दिया. And we have demonstrated to build this confidence कि हम सिर्फ हम करते भी है. So, आज आपको एक trailer दिया है. पिक्चर तो पूरी दिखाएंगे अगर आप मौका दोगे तो, और अगर मौका नहीं दोगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एंड आई रियली कांट डू एनीथिंग. सो आपके हाथ में है, हमें मौका देना है नहीं देना है. और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बैंक्स आर विद अस. हमने इतना रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि अब आपको दो प्लान को जबरदस्ती वोट करने की भी जरूरत नहीं है. इफ यू फील वन प्लान इज बेटर एंड बैंक्स भी वो ही फील करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. बिकॉज क्या है ना, पहले माइनर डिफरेंस होता था तो डाउटफुल रहता था कि कौन किसको वोट करेगा. बट आप जानते हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इन्वॉल्व, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक दिस प्लान सक्सेसफुल. तो एवरीबडी विल गो ऑन. ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड इज टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू. So obviously it has to be maximized for all stakeholders, and CUC, including home buyers and bankers, are not acting for themselves alone. They are acting for all the stakeholders. They are in fiduciary role, in the role of trustee. So I request all of you to don't take any मतलब कोई confusion नहीं है इस बार. आप लोग banks में खुद check कर सकते हैं. Our we have made remarkable difference and therefore अब कोई doubt मुझे लग नहीं रहा है. But I leave it to you, your best judgment. We can only request you, nothing else. And this is just a highlight of all the things together at one glance. If किसी के पास time नहीं है तो next. Next, Devang. So this all I've covered. So I think we are done, and now Devang, we can people can raise hands and we can take one by one. Okay, because I ki wo karke better. Yeah, Devang, who will be giving the access? You are giving. Karan is giving. Karan is Devang. Giving access. I would request everyone who wants to ask questions to raise their hands, and I'll randomly, you know, select and unmute those people. Mukesh Gupta and Manjul Growers have raised their hand. Okay, Devang, presentation close karo na, my dear friend, so that we can see each other well. Mr. Yes, Mukesh yes. Gupta, now you have access to unmute yourself. Yeah. हेलो. हाँ जी मुकेश जी, वेलकम. हेलो जी, कैन यू हेल्प. गुड मॉर्निंग. या गुड मॉर्निंग. एंड एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक द सुरक्षा टीम फॉर स्वीटनिंग दैट देयर रिजोल्यूशन प्लान बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस. आई एम टॉकिंग अबाउट माय इन माय पर्सनल कैपेसिटी बिकॉज इवन आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड स्वीटनिंग ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान टू दैट एक्सटेंट. ओके, नाउ माय इवन आई डोंट एक्सपेक्ट सर. Even I didn't expect. हमने काफी anyways, चलो sorry to interrupt. Okay. Now see, my main worry was that whether the banks are going to support you or not. Okay. Correct. Now which you have already explained that since banks are also subject to CAG audit and their internal audits, if they are getting a far better deal from Suraksha, they will find it very difficult to walk away from you. Absolutely. So in this scenario, if left to me, I would give my vote you now and here only. So no, I'm telling you very frankly, because see, ultimately the dream of every home buyer is to get their flat. Sure. And we are highly dependent on the bank's decision. So I don't foresee any problems for the banks to vote for you. Now, this is one thing. There's a query because lot of home buyers are not able to, who have not filed their claims earlier. They are not able to file their claims now
because of COVID and they are not able to go physically to JIL office. So can you provide some sort of mechanism for those that they file the claim with the IRP by mail and keeping HBA, HBAR and you in the CC so their claim is at least registered? So sir, I'll answer that. See, that is not in our power. It is IRP's power actually to admit, not admit, take claims or not claims. We can only say to you that you know, the claims which are getting filed till NCLT approval date, okay, those all those claims we will try to take into cognizance and give them the treatment which is there in the plan, because I do understand that people may have practical difficulties. Jabki is case mein honestly 4 saal ho gaye, to jinko file karna tha wo kar sakte the. But abhi bhi main matlab meri side se we can try to accommodate, or like FD holders mein humne accommodate kar liya. We have said in our plan that till the approval date humne kya kiya, usme do mein split kar diya. Jo pehle aa gaye the unko fix kar diya ki itna paisa unko denge, और फिर एक किटी बना दी कि जो अब बाद में आएंगे, जो लेट है उनको फिर पूरा नहीं मिलेगा, जो किटी है उसमें से उनको प्रोपोर्शनेट मिलेगा. सो यहाँ पे तो घर देने हैं, तो घर अगर लेट भी क्लेम फाइल करते हैं और जेन्युइन क्लेम है तो हम घर देंगे, दैट आई कैन अश्योर यू, बिकॉज हमें कोई प्रॉफिट नहीं बनाना है किसी की कॉस्ट पे. सो जेन्युइन क्लेम्स अगर आ गए और ये है तो हम घर देंगे. But legal position is very clear. Supreme Court in its own judgment has said that claims which have not been filed, people who are not responsible and to file the claim in the given stipulated timelines of the law should not be then entitled to any payment. So law is very clear on that, but practical genuine cases we will certainly take care, I can assure you, sir. Acha, there's another thing, Alok ji. Now since मुझे दिख नहीं रहे देवांग, इट इज इन आर हैंड्स और इट इज इन देवांग, आई एम नॉट गेटिंग एन ऑप्शन टू मेक हिम द पैनलिस्ट. सो अच्छा आ जाता तो बेटर था. एनीवेज चलो मुकेश जी सॉरी. अच्छा सिंस द पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देयर आर लॉट ऑफ होम बायर्स हु हैव बीन मेड टू बिलीव that if even if they reject both the resolution plans, still they will get the flats. Because I will put this misleading information at par with the information that if somebody is told that when you are on a webinar also, you have to put your mask on to avoid the COVID from the panelist. So this is a total misinformation which has been fed in the minds of lot of innocent home buyers who don't understand this IBC 2016 provisions and the amendments thereafter. Do you have any clarifications to offer for those people? No. See, webinar mein, I don't know, everybody is at own place, to mask wagere ki, matlab, I didn't understand actually kya itna issue hai, but we are at our home and there is no need for mask per se. No, he was not, he was saying in a metaphor statement, so he's trying to say that there are some misconceptions that that as per Supreme Court order, even if they don't vote for any of the plans, they still get the flats. So that is what he just wanted to ask you, that to convey that this is something legally this cannot happen. So that is the point. नहीं see legally जो position आप अपने lawyer से check कर सकते हैं, but मेरी understanding since I have read IBC thoroughly, मैं आपको सिर्फ guide कर सकता हूँ कि एक group है आपका home buyers का, एक particular class है. अब उसमें जो voting आएगी majority की, that is binding on all of them. People who have not filed the claim are not entitled to anything. People who have filed the claim but not voted, okay, their vote is basically not counted at all, because आपके class में जो voted है उसमें से majority आनी है, okay, and that decision is binding on all the home buyers who have filed claim and their claim is admitted. So legal position is that it will be bind the decision if they do not vote. Then जो डिसीजन आएगा वोटिंग में विल बी बाइंडिंग. नो दैट्स ओके, माय पॉइंट वाज दिस, बिकॉज़ सम
some of the home buyers have been made to believe that the then CJI, Mr. Deepak Mishra, had said that liquidation is no solution. So they are totally believing. They are totally believing in that, and they have been misguided that even if you vote for any of the resolution plans or applicants, and the resolution process fails also, even then they will get the flats. Now I would like to take your permission. रिजोल्यूशन फेल होगा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि घर कौन बनाएगा फिर फ्लैट क्या मिलेगा मतलब ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना इतना तो कॉमन सेंस हर एक में होना ही चाहिए कि अगर कोई है ही नहीं जो रिस्पॉन्सिबल है कि घर बना के कंप्लीट करके देंगे तो 6,000 करोड़ का काम कौन करेगा देयर हैज टू बी समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल राइट अदरवाइज आप अभी तो टावर्स इनकम्प्लीट है तो होगा तो मुकेश जी वन लास्ट क्वेश्चन टू यू फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ मुकेश जी सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली पास द ऑर्डर्स बट दे कैन नॉट कम्प्लीट द स्पॉट प्रोजेक्ट्स नहीं नहीं सर वो कोई नहीं करेगा सर लिक्विडेशन होगा फिर पूरा लिम्बो में जाएगा मैं तो आपको बोल सकता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कभी पूरा नहीं होगा और ये वैल्यू आपकी लूज हो जाएगी और लिक्विडेशन में होगा तो होम बायर्स आर अनसिक्योर्ड वो रिस्क आप ले ही नहीं सकते यू हैव टू वोट फॉर द बेटर प्लान जो आपको घर बना के देंगे और जो आपके लिए बेटर है अदरवाइज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वोट सो वी आर ऑन द सेम पेज एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू सर थैंक यू सॉरी फॉर ऑल द बेस्ट फाइनल टेक्निकल इश्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जयश्री मैम Yeah, ma'am. Yes, ma'am. No, no. Let us take one by one. Otherwise, I'll just miss the question. Answer the first. No problem. The first one is big enough, I would like to also address properly because this also is not your question. We have last time failed because of this. Our plan was last time also better for home buyers, but home buyers did not vote for us. So. This question is very relevant question so as to I say and I need to properly explain okay you may get convinced you may not get convinced it's totally up to you but I have to explain my thought process okay so I'll quickly come on to that so for I will explain this in 5-6 points the first point to my mind is that every private company is different today there is Reliance also and today there is JP also So you cannot really say that all private companies are on same. Everybody has their own resources, okay? And everybody has to be seen in light of their own resources. JP failed because they did not have resource. We are coming here because we have the resource. Had we not had the resource, there was no compulsion on us to come here. हमारे पे कोई compulsion नहीं था madam कि हम इसमें vote करें आप Supreme Court order दुबारा देख लीजिए इनवाइट कर रहे हमें कंपेल नहीं किया है टू वोट एंड कम एंड हम चौथी बार वोट कर रहे अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते तो अपना सर ओखले में इन क्रूड लैंग्वेज कौन डलवाता है अपने गले में घंटी कौन बनवाता है ऐसा कोई होगा कि जो अपने ही गले में घंटी बनवाए बिकॉज जो है वो सब फ्यूचरिस्टिक है हमारा IRR है वो सब फ्यूचर है आप लोग भी जानते हो जब तक घर कंप्लीट नहीं होगा कोई IRR ये सब थियरी है पहले सारा पैसा घर कंप्लीट होने में जाना है एक बार ये सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन है कॉर्पोरेट डेटर का
जो विल कम ऑन अस इफ वी बिकम द कॉर्पोरेट डेटर, वी टेक ओवर द कॉर्पोरेट डेटर, एंड दैट नीड्स टू बी कम्प्लीटेड. एंड नोइंग वेल कि ये 6,000 करोड़ का काम बाकी है या जो भी अमाउंट है प्लस माइनस वो काम बाकी है, नोइंग वेल ऑल द फैक्ट्स ऑफ द डेटा रूम कि कितना गड्ढा है, 2,500 करोड़ का इसमें गड्ढा है, होम बायर्स के सोल्ड और अनसोल्ड से जो मिला के आना है वो 4,000 करोड़ है, सो देर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 2,000 करोड़. तो वो सारा हमने प्लान आउट किया है. इट इज नॉट दैट हम ब्रेनलेसली घुस रहे हैं इसमें कि दिमाग नहीं है, बिकॉज हम लोगों का ग्रुप, आई मैंने इस बार रिपीट नहीं किया बट अब आपने मुझे कंपेल किया टू से वन लाइन ऑन अवर ग्रुप. अवर ग्रुप इज सन फार्मा ओन्ड प्रमोटर्स है, को फाउंडर है सुधीर वालिया जी, हिज ओन नेटवर्थ इज मोर देन 6,500 करोर. हमने इस बार ऑडिटर सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट नेटवर्थ के दे दिए IRP को. ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैज मेनी अदर एसेट्स. आज कोई कोई तरीके का कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई तरीके की कोई डेट पे, डेट इज ऑल्सो वेरी मिनिमम. वो जो बिजनेस चलाने के लिए हम लेते हैं वो लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है. एंड एक कॉल पे हम पे कर सकते हैं. सो देर इज नो शॉर्टफॉल ऑफ रिसोर्सिस एट आर एंड, एंड दैट इज वॉट इज आवर स्ट्रेंथ विच इज डिफरेंशिएटिंग अस फ्रॉम एनी अदर प्रमोटर हु हैव फेल्ड. बिकॉज कोई हिस्ट्री नहीं है फेलियर, रिसोर्सिस प्रॉपर है, केपेबिलिटी है, तैयारी है, पूरा फोकस कर, अदरवाइज चौथी बार कौन प्लान डालता है. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि प्लान जब एक बार बन जाएगा, जो अप्रूव हो जाएगा NCLT को, इट वुड बी बाइंडिंग ऑन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट एज वेल. जैसे मैंने पहले भी कहा अपने प्रेजेंटेशन में, इट वुड बी बाइंडिंग ऑन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट एज वेल, एंड वी अवर रेप्यूटेशन इज एट स्टेक. सी, वी कैन फोरगो और रिड्यूस अवर IRR, ओके, बट वी कैनॉट फोरगो अवर रेप्यूटेशन एज सुरक्षा ग्रुप, बिकॉज वी cannot afford to do so. It have larger implications overall on entire group of Sun Pharma as well. Bahut bade implications hai for us, and that is no for us. It cannot happen. Aap samajh lo, hypothetical hai aapka question, but still I do respect and appreciate your concern and understand your concern. Isliye main detail mein jawab de raha hu, because ye aapke madhyam ke through I am saying to all my friends who are home buyers. Okay, थर्ड पॉइंट ये है कि ये सारी जो गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, आज हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते. ये भी कई बार हमने देखा गया कि आज गवर्नमेंट कंपनी है, कल प्राइवेटाइजेशन हो जाता है. एयर इंडिया इज ऑन द ब्लॉक. ओके, मुझे नहीं पता और कौन सी कंपनी में बिकम प्राइवेटाइज. आज तो आप नॉन पार्टनर को ला रहे हो साथ में, जिसको आप थोड़ा तो समझे हो, आई होप सो. बाकी तो अननोन कोई आ गया तब क्या कर लोगे? डिसइन्वेस्टमेंट तो आप रोक नहीं सकते. NBCC ने अपने प्लान में तो नहीं लिखा होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या वट एवर इट इज. सो देयर प्रमोटर ग्रुप चेंज नहीं होता है. लोग गवर्नमेंट कंपनी में चेंज हो सकते, कंपनी का ओनरशिप भी चेंज हो सकता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है. ठीक है, दी फोर्थ पार्ट इज बेसिकली कि हम लोगों ने ये रिस्क लिया है with keeping reward in mind. There is some IRR which we are looking at the end of the tunnel, end of the day, which we want to really see कि हम पूरा process मेहनत करके आगे बढ़ के वो IRR हमें मिले. So वो चीज भी बहुत मायने रखती है कि हम कोई ऐसे ही नहीं आ रहे हैं just to I will say कि it is not for just home buyers. It is also for us. Honestly, I should admit this on the platform. बट हाँ, हमने प्रायोरिटाइज किया कि होम बायर फर्स्ट वी लेटर. ओके, सो बहुत सारी चीजें इनबिल्ट है इसमें, और ये मेरे हिसाब से हम लोगों ने सब सोच के किया है. अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोफेशनली. वी विल हैव इंडिपेंडेंट बोर्ड, वी विल हैव इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल टीम, देर विल बी कंप्लीट मैकेनिज्म एंड सिस्टम ऑफ यू नो डिसीजन मेकिंग. आप हमारा डिसीजन मेकिंग स्पीड तो देख ही चुके हो. एक हफ्ते में हमने इतने सारे डिसीजन ले लिए विच इज वर्थ ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज, जो अगर हम गवर्नमेंट कंपनी होती तो शायद नहीं ले पाते. हमने लिए ही यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारा फास्ट डिसीजन मेकिंग है, और उस वजह से हम लोग आज जो बोलते हैं वो कर पाते. आज मेरे पास ऑथोरिटी है टू कमिट ऑन दिस प्लेटफॉर्म.
अदरवाइज मैं इतना सब वेबिनार में बोल के अगर नहीं कर पाता तो मेरे पास चेहरा ही नहीं होता टू शो यू अगेन. सो वो सारी चीजें हमारे एडवांटेजेस है, प्रोफेशनल सेटअप, यू नो, इंडिपेंडेंट बोर्ड, फास्ट डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें, बिकॉज अवर रेप्यूटेशन इज एट स्टेक. वी विल बी हैंग्ड इफ वी डू नॉट डू इन, मतलब नॉट लीगली बट जस्ट फेवर आई एम सेइंग. सो ये सारी चीजें हैं. और एक चीज लास्ट बताना चाहूंगा मैम आपके क्वेश्चन के ऊपर, कि मैंने होम बायर्स की कमिटी बना दी है ओके प्लान में, और वो प्रोजेक्ट वाइज डे वन से चालू हो जाएगी जैसे ही हम कंट्रोल में आएंगे. और उसमें हम सारे एस्क्रो अकाउंट्स भी आप लोगों को देंगे, आपके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, बैंक स्टेटमेंट्स भी देंगे, बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड. लेट मी से वी हैव नथिंग टू हाइड. हम क्लियर है कि हमें प्रोजेक्ट पहले करना है और बाद में IRR कमाना है, बहुत क्लियर है इस बात के ऊपर. इसलिए हम लोग बैंक स्टेटमेंट्स भी देंगे कि भाई आप देख लो यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, सजेशंस भी लेंगे, इनपुट्स भी लेंगे, साथ में लेके चलेंगे. बट यस, कोई लोग मिसचीफ करते हैं तो विल नॉट टॉलरेट, तो वो अलग सब्जेक्ट हो गया. दैट इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी फ्यू पीपल मे बी देयर, ऑलवेज रहते हैं पूरे ग्राउंड में. सो वी आर नॉट लाइक अ पॉलिटिशियन विच विल कम एंड प्रॉमिस एंड देन गो अवे. ओके फाइन, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. वी गेट नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने आपको ऑप्शन दे दिया ना मैम टू शिफ्ट दैट इनटू योर कैटेगरी, और उसमें मैं 20% क्रेडिट भी देने को उनको तैयार हूँ. मैंने वो भी लिख दिया कि 20% क्रेडिट आपके जो अमाउंट आपने पे किया उस पर आपको मिलेगा. दैट इज टू कॉम्पेंसेट दैम ओनली. प्रतीक, यू वॉन्ट टू से समथिंग प्लीज? नो सर, राइट नाउ वी हैव गिवन दैट 20% क्रेडिट ओनली फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द फ्लैट सर. Cancellation of flats, Mirzapur wale flats. Mirzapur and Agra project, which we are not developing. Fund seekers are the one who are we are trying to say that is regarding. Asking refund. One by one, कौन refund seekers है? Refund seekers 62 crores वाले sir, 62 crores. 62 करोड़ वाले के लिए, तो 62 करोड़ वालों के लिए मैम हमने दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फर्स्ट थिंग कर दी है, सो दैट उनको उतना बेनिफिट हो इन टर्म्स ऑफ पेमेंट शेड्यूल, वो इंटरेस्ट थोड़ा उसमें कवर हो जाता है. ओके, क्योंकि जल्दी जितना पे करेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कवर होता है. सेकेंडली, हमने उनको ये भी ऑप्शन दिया है कि उनको अगर अपना घर वापस लेना है ओके, जो उनको अलॉट हुआ है, तो वो भी हमने ऑप्शन इनबिल्ट कर दिया है कि वो दे कैन कम एंड गिव अस द रिक्वेस्ट एंड वी विल रीइंस्टेट देयर पोजेशन, और वो आपके कैटेगरी में आ जाएंगे और सम ट्रीटमेंट आपकी कैटेगरी की रहेगी. वो उनको ऑप्शन दिया है, तो अब पेनल्टी चाहिए तो दे शुड कम टू दैट ऑप्शन. करेक्ट? यस. एम आई राइट? यस सर, वी कैन. थैंक यू करण. नेक्स्ट. देयर इज ऑन मिस्टर संजीव हु हैज रेज्ड द हैंड. मिस्टर पीके शर्मा ने भी कर रखा है. टोटल अपन 10 लोगों को लेंगे टोटल. ठीक है.